मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूं। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। राइस मिल की इमारत गिरने से चारों ओर भय का माहौल है, यह संभावना जताई जा रही है। मिल के मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुँच गई है। जेसीबी के जरिए इमारत के मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तरावड़ी स्थित शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिल बिल्डिंग आज तड़के 3:30 पर अचानक गिर गई। बिल्डिंग गिरने से करीब 20 से ज्यादा मजदूर मलबे में फंस गए, जबकि 4 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला बिल्डिंग में करीब 157 मजदूर रहते थे, जिनमें से कुछ मजदूर रात को काम पर गए हुए थे, जबकि 20 से 25 मजदूर रात को बिल्डिंग में सो रहे थे। आज सुबह 3 मंजिला बिल्डिंग सोते हुए मजदूरों पर गिर गई। बिल्डिंग गिरने से 20 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जबकि 4 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस व रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर मौजूद मजदूर भी हादसे से बहुत घबरा चुके हैं और वे भी कुछ सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या यह बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी थी जो अपना भार ही सहन नहीं कर पाई। फिलहाल बिल्डिंग के गिरने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। डीसी अनीश यादव व एसपी शशांक सावन भी मौके पर पहुंचे। एसपी शशांक सावन ने बताया कि इस हादसे में कुल 24 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 20 घायल हैं और 4 की मौत हो गई है। घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।